हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्लीव से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो स्लीव्स को कटिंग करते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको स्लीव से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आती थी वो नहीं आएंगी। फ्रेंड्स, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। अब मैं आपसे बात करती हूँ अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स के बारे में। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स सीखना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग कोर्स, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स और ड्रैपिंग कोर्स, बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे और या फिर कॉल करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7 इंच को आपको सूट में लेना है जब आप सूट कटिंग करते हो। मैंने जब सूट कटिंग किया था तो मैंने यहाँ पर 7 इंच लिया था। तो आप जब ये आर्मोल लेंगे किसी भी सूट में तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चेस्ट के साइज को 6 से भाग दे देना है। कोई भी चेस्ट का साइज है उसको आपको 6 से ही भाग देना है और जो भी आपका आएगा उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। अब मैं बताती हूँ आपको स्लीव्स का। अब यहाँ पर 7 इंच आपको लेना है। अब देखिए कैसे लेना है स्लीव्स में। स्लीव्स को निकालने का एक फॉर्मूला है कि आपका आर्मोल जितना भी है, जैसे मेरा आर्मोल है 16, उसको आपको डिवाइड करना है 2 से, 8 आ गया। अब आपको इसमें माइनस करना है 1 इंच, तो आपका कितना आ गया, 7। ऐसे आपको स्लीव्स का फॉर्मूला निकालना है। ये स्लीव्स का यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालना है कि कितना आपका आएगा। तो मेरा आया है 7 इंच, तो मैं यहां पर 7 इंच ले रही हूं। और उसके बाद यहां पर मैंने 3.25 इंच लिया था ये वाला, तो यहां पे भी मैंने 3.5 इंच ले लिया है। अब इन दोनों पॉइंट को शेपर से मिलाएंगे, आर्मोल शेपर से। और यहां पर आपको स्लीव्स का फिटिंग लेना है। फाइव इंच। अब यहां से यहां तक मिलाने के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप स्ट्रेट लाइन से भी मिला सकते हो, बिल्कुल ऐसे सीधा, और ऐसे ही आप मार्जिन ले लीजिए यहां से हल्का सा नीचे की तरफ जाना है ताकि कपड़े को फोल्ड करने में आसानी हो। अगर अगर आपको स्लीव्स का फिटिंग मतलब कई लोगों का होता है कि यहां से बाइसेप्स ज्यादा होता है तो आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से नहीं आपको मार्क लगाना है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है, ना आपको स्ट्रेट वाला स्केल यूज करना है। आपको यूज करना है आर्मोल शेपर वाला स्केल। इसमें हल्का सा कर्व होता है, देखो इस साइड में आपको कर्व नजर आ रहा होगा, तो ये कर्व आपको अंदर की साइड रखना है और दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला देना है। उसके बाद मार्जिन भी आप रख लीजिए इसी के अकॉर्डिंग। अब यहां पर हमें आर्मोल को नापना है कटिंग करने से पहले। यहां पर मेरा 8 पॉइंट में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है, इतना एक्स्ट्रा आ रहा है तो मतलब हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसी के आसपास में आना चाहिए, ज्यादा इससे कम नहीं होना चाहिए। 1 पॉइंट या 2 पॉइंट इससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जब हम स्लीव्स को ज्वाइंट करते हैं सूट में तो आपको स्लीव्स को लूज करना पड़ता है और जो हमारा सूट का आर्मोल है उसको नॉर्मल रखना पड़ता है, खींचना नहीं है उसको, इसको आपको लूज करना है। तो इसलिए ये थोड़ा सा पॉइंट आपका ये एक्स्ट्रा होना ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए बस।
बना हुआ है इसका नॉर्मल। अब यहाँ पे आपको फोल्ड वाली साइड से कट लगाना है ताकि आपके पास गाइडलाइन हो कितने आपको फोल्ड करना है, कितना स्लीव्स आपको फोल्ड करना है। उसके बाद बिल्कुल स्लीव्स के सेंटर पे यहाँ पे भी एक छोटा सा कट लगाना है ताकि आपको स्लीव्स जॉइंट करने में आसानी हो। दोनों साइड में आपको फिटिंग के साइड में भी एक छोटा सा कट लगाना है और जहाँ पर आपने जॉइंट लगाया, देखो जॉइंट वाला जो पार्ट है ये हमें बैक साइड में रखना है और जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट है यहाँ पर आपको फ्रंट वाली शेप देनी है। ठीक है एवरीवन, अब हमने एक सूट की कटिंग कंप्लीट कर दी है विद स्लीव्स के साथ।